एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले तो कि सभी को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सभी को बहुत बहुत 15 अगस्त मुबारक हो। और जी, आज उसी के इतने स्पेशल से उसमें मैंने बनाया है चिकन चंगेज़ी, जो कि डिफरेंट स्टाइल बनाया है। मैं ये बिल्कुल बावर्ची स्टाइल भी कह सकते हैं, और डिफरेंट एकदम अलग तरीके से। तो सबसे पहले जो मैंने प्याज आधा किलो वो कट कर लिया, आधा किलो ही टमाटर हैं, हम उसको भी कट कर लेंगे। सबसे पहले कुकर में मैंने प्याज को ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक को ऐड कर दिया है, क्योंकि लहसुन अदरक हम आगे के फ्राई में भी, चिकन में भी डालेंगे, जो अभी हम मैरिनेट करके रखेंगे, और मसाले में भी डलेगा। तो उसके बाद टमाटर, नमक डाला, एक चम्मच नमक है, उसके बाद में एक चम्मच मगज़ है, 8-7 काजू हैं, 8-7 बादाम हैं, और उसके बाद डालेंगे हम 2 मुट्ठी मखाने। तो मखाने डालने के बाद हमें डाला 1 प्याली पानी, क्योंकि टमाटर में भी पानी होगा। उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो डालें, ढक्कन लगाएं और इसको रख दें पकने के लिए साइड में। और मैंने जो चिकन है पहले से वॉश कर लिया था, नमक डाला, उसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, फिर डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर, उसके बाद डालेंगे रोस्टेड जीरा यानी कि भुना हुआ जीरे का पाउडर, उसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, जो कि मेरा खुश्क हो गया। उसके बाद मैंने डाला है कॉर्न फ्लोर 2 चम्मच के करीब में, और 1 चम्मच मैंने डाला है भुन बेसन, और इसके बाद में मैंने डाला कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद जो ये सारा जो हमने डाला है इसको मिक्स कर लेते हैं, बाकी का सामान अभी हम इसमें और डालेंगे। तो ये मैंने अच्छे से चिकन पे जो है कोट कर लिया है। इसके बाद में मैंने नींबू निचोड़ा, नींबू बड़ा टेस्टी लगता है, खट्टा सा, आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर फिलहाल मैंने दही नहीं लिया है, फूड कलर लिया है। फूड कलर लेने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और मैं इसको बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो ये सब चीज़ें हमने डालने के बाद अच्छे से जो हमने जो सारा सामान डाला है वो बोटियों पर कोट कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स करके। आध 1/4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन अभी हमने इसमें एक चीज़ और डालनी है। तो थोड़ा सा हमने भी कम लगा मुझे, तो मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ले लिया है, क्योंकि इसमें से मुझे 2-4 पीस फ्राई के भी अपने बच्चों के लिए निकालने, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा। और इसके बाद मैं डालूँगी चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट, या तो आप मार्केट वाला डाल सकते हैं, वरना घर वाला भी आप बना के डाल सकते हैं। इस तरह से ये तैयार हो गया, और बस मैंने 2-3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। और जो हमने ये डाला सामान रखा, इसको मैंने छोड़ने के बाद देखा तो ये चीज़ सेट हो चुका था। तो अब हम जो हमने उबाला है टमाटर प्याज वगैरह, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इधर मैंने तेल डाल करके जो चिकन के पीसेज हैं उनको फ्राई करना शुरू कर दिया। जो हम चंगेज़ी के लिए पीस फ्राई करेंगे वो हम एक ही बार फ्राई करेंगे, और जो अगर हमें फ्राई निकालना है तो हम उसको 2 बार भी फ्राई करेंगे। तो हल्का सा जैसे ही जो मसाला अच्छे से चिपक जाएगा बोटियों पर, तो हम इन बोटियों को निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो हमारा चिकन है वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम इस थोड़ी देर में इन बोटियों को निकाल लेंगे, क्योंकि ये बोटियाँ बाद में हम जब मसाले में पकाएंगे तो पूरी तरीके से गल जाएंगी। अभी 40% हमारा ये फ्राई करने में चिकन गल जाता है, तो 40% हम इसको गला लेंगे 40 से 50% के करीब में, और बाकी का 50% हम इसको मसाले के साथ जब भूनेंगे तो बाकी का 50% हम इसको तब पकाएंगे। तो बहुत अच्छी ये फ्राई अब हो जाएंगे, तो मैं इन सारे पीसेस को निकाल लूँगी, और बाकी के जितने भी पीसेस हैं उन्हें इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और अगर हमें खाने के लिए पीसेस की बोटियाँ निकालनी हैं तो हम 1 से 2 बार उसको फ्राई करेंगे। तो ये पीसेस मेरे फ्राई हो गए हैं, बचे हुए तेल के अंदर जो मैं हमने जो पेस्ट तैयार किया था टमाटर प्याज वाला, वो पेस्ट हम डाल चुके हैं। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्ची पाउडर डाला 1 चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला, थोड़ा 1/4 चम्मच मैंने हल्दी डाला है, ताकि कलर बहुत ज़्यादा डार्क भी ना लगे और लाइट भी ना लगे। तो बस इस तरीके से, जो रोगन है बहुत ज़्यादा है जानती हूँ, लेकिन हम इस रोगन को आराम से उतार लेंगे। तो जो पीसीज हैं बोटियों के वो मैं धीमे धीमे इसमें डालना शुरू कर चुकी हूँ। तो डाल चुकी हूँ मैं इसमें पीसीज, और फ्राई बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए बोटियों के पीसीज हो चुके हैं कम, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चिकन ले सकते हैं। तो जी, अब मेरा जो मसाला है देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भुन चुका है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं रखने वाली हूँ मैं इसमें। अब पहले हम इसका जो है ना क्रीम डालेंगे इसके अंदर, और इसको ढीला करने के लिए हम इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप दूध पानी दोनों का भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दूध का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और दूध से मैं इसको ढीला करूँगी। तो ये जो जितनी भी ग्रेवी आप थिक चाहते हैं थिक ले सकते हैं, ढीली चाहते हैं हल्की सी ढीली ले सकते हैं। और ये अभी मैं इसके बाद में
रोगन जितना भी एक्स्ट्रा हमें लगेगा हम उसको निकाल लेंगे और किसी भी और सब्ज़ी सालन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस रोगन को उतार रही हूँ, क्योंकि अभी ये ज़्यादा है और सालन बन चुका है। बस इसमें हमने डालना है कसूरी मेथी और इसके बाद हम धनिया वगैरह डाल के हमारा सालन जो है वो प्रॉपर तैयार हो चुका है। प्लेटिंग कर लेंगे हम और सालन बिल्कुल रेडी है। मैं जानती हूँ कि बोटियाँ समय हम इसको ऐसे भी चलाएंगे एडजस्ट कर लेंगे, तो प्लेट हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। प्लेट के लिए हमारी बहुत अच्छे से बोटियाँ हैं हमारे पास में, मैंने बटर रख दिया और बड़े मज़े की देखने में प्लेट इतनी खूबसूरत लग रही है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, आपके यहाँ कितनी पतंगबाजी हो रही है ज़रूर कमेंट कीजिएगा।